खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। मैं कल एक शादी की दावत खाने के लिए गया था। जी ऐसा नहीं था कि दावत खाने के लिए शादी में गया था, क्योंकि शादी थी, शादी अटेंड करने गया था। और शादी में जाकर अगर वहां पर खाना नहीं खाया तो सब लोग नाराज भी होते हैं और मजा भी नहीं आता है। शादी में ऐसा माहौल रहता है कि सब लोग खुश रहते हैं और खाना भी ऐसा होना चाहिए जिसको देख के और खाकर सब लोग खुश हों। तो आज कुछ रेसिपीज शादी के माहौल वाली, शादी के लिए कुछ वेजिटेरियन खाना। देखते हैं कि ढिंगरी मटर और पनीर की सब्जी कैसे बनाई जा सकती है। ढिंगरी यानी ये मशरूम हम बनाएंगे, फ्रेश मशरूम से इसे बनाएंगे और देखते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। खैर वैसे जो नॉर्थ में शादियां होती है उसमें मशरूम और पनीर वेजिटेरियंस के लिए जरूर होते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। बनाना शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले घी, घी गर्म हो गया और अब इसमें हम डालते हैं गरम मसाले, छोटी और मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जावित्री, कुछ काली मिर्च और तेज पत्ता। और अब इसमें डालते हैं फ्रेश मशरूम और तेज आंच पर इसे हम पका लेते हैं। कटे हुए मशरूम हैं और अब इसके साथ इसमें हम डालेंगे खोया। शादी की जो ग्रेवी है वो रिच बनाई जाती है, तो मशरूम और खोया ये दोनों को हम भून लेते हैं और अब इसके अंदर डालें ये प्याज का पेस्ट, ब्राउन अनियन पेस्ट। प्याज को तल के ब्राउन करके उसके बाद इसे पीसा हुआ है हमने, ये ब्राउन अनियन पेस्ट। इसके साथ अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, इन सब चीजों को भून लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं हल्दी, हल्दी पाउडर, इसके साथ लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लें इसे। और अब इसमें डालें दही, दही डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। बाकी मसाले, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, नमक। अब इसमें हम डालते हैं मटर, ये मिक्स कर लिया है हमने। अब थोड़ा सा और रिच, वैसे घर में आप इसमें कैलोरीज कम करना चाहते हैं तो आप खोया कम डालें, ये मैं फ्रेश क्रीम डाल रहा हूं, ये भी कम डाल सकते हैं, लेकिन शादी का मामला है, कुछ चांस नहीं ले सकते हम लोग, इसलिए थोड़ी ज्यादा क्रीम। और अब इसमें डालेंगे पनीर। पनीर लोग फ्राई करके डालते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता फ्राई करके इतना डालना पनीर, क्योंकि सॉफ्ट नहीं रहते। उसके साथ गरम मसाला पाउडर, इसे मिक्स कर लें। आंच धीमे करें और धीमी आंच पर करीब 6 से 7 मिनट तक इसको पकने दें, क्योंकि इसमें पकने वाली कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको पकने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो इसलिए ये करीब 5-6-7 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी और फिर आप इसको गर्मा गर्म किसी भी शादी या बिना शादी के परोसे। इसके लिए हमें चाहिए 10 से 15 मशरूम, 1 कप मटर के दाने, 100 ग्राम पनीर के पीसेस, 6 बड़े चम्मच घी, 3 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 3 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 6 से 8 काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री, 1 तेज पत्ता, 1.5 बड़ा चम्मच मावा, 1/2 कप तली हुई प्याज की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच काजू की पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप दही, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 3 बड़े चम्मच क्रीम, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट और 1/2 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट।
सबसे पहले एक पैन में घी गरम करके इसमें हरी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जावित्री, काली मिर्च, तेज पत्ता और कटे हुए मशरूम डालकर कुछ देर तक भून लें। इसमें ग्रेट किया हुआ मावा डालें और इसे भी कुछ देर तक भूनें। अब इसमें तली हुई प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर कुछ देर तक भून लें। अब इसमें दही डालकर कुछ देर तक पकाएं और इसके बाद इसमें डालें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और उबले हुए मटर के दाने। इन सब चीजों को मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें डालें फ्रेश क्रीम और पनीर के पीसेस और इसमें गरम मसाला डालकर कुछ देर तक पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें।